नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, वो है कांग्रेस का पोस्टर वार। दरअसल आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था ईडी के खिलाफ, लेकिन एमपी कांग्रेस के पोस्टर से दिग्विजय और कमलनाथ गायब थे, जिस पर गर्मा गई है सियासत। लेकिन इन सबके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में दिन भर की सुर्खियों की बात करते हैं तो आज पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन उतनी ही गुटबाजी भी नजर आई। जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार और आरिफ मसूद इस प्रदर्शन में शामिल जरूर हुए, लेकिन इस प्रदर्शन में जो हालात बने उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कांग्रेस के एक और बड़े मसले की। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जो जिला कमेटियां हैं उन सभी को भंग कर दिया है, जिलाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अलग अलग पदाधिकारियों को छोड़ के। यानी कि जिले के जो बाकी तमाम पदाधिकारी थे अध्यक्ष के अलावा, उन सबको हटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये कमलनाथ और नकुलनाथ की अनुशंसा पर किया गया है और अब नई कमेटियों का गठन किया जाएगा और छिंदवाड़ा में बदलाव की कोशिश की जाएगी। छिंदवाड़ा के साथ साथ ये बदलाव पांडुर्ना में भी देखने को मिला है, जो पहले छिंदवाड़ा जिले का हिस्सा था लेकिन अब एक नया जिला है। चलिए सियासत से इतर बात करते हैं पुलिस पर हमले की। छतरपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त हुए। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किया और एक संदेश भी दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। छतरपुर में पूरे की पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। डॉक्टर मोहन यादव लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आज तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस वितरण कार्यक्रम श्योपुर में हुआ। श्योपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले दिनों में रामनिवास रावत का विजयपुर से चुनाव है। वहां महत्वपूर्ण है आदिवासी वोट बैंक, इसलिए कई सारे प्रोग्राम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार वहां हो रहे हैं। कई सारे वितरण के कार्यक्रम, कई सारे योजनाओं के कार्यक्रम और अब तेंदुपत्ता संग्राहकों का कार्यक्रम। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 5,56,00,000 रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोक नगर की फतेहाबाद में 31,00,000 रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा, 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस की गुटबाजी की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 90 के दशक से शुरू हुआ ये सिलसिला कमलनाथ के कमान संभालने के बाद थोड़ा सा थमता जरूर नजर आया था, लेकिन अब फिर से हालात बदलने लगे हैं, तस्वीर बदल गई है। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि एक बार फिर ये गुटबाजी चरम पर नजर आने लगी है। आज दिल्ली से एक संदेश था पूरे देश में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर ये जो संदेश था, वो कहा गया कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कुछ नेता को कहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि अब राहुल गांधी ये कहेंगे कि ये नेता शामिल हो या नेता शामिल ना हो, या ये पोस्टर में दिखे और ये पोस्टर में ना दिखे। कांग्रेस का पोस्टर लगा मंच पर और उस मंच पर जो पोस्टर था उसमें से मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे गायब थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और इन दोनों के पोस्टर में ना रहने के बाद सियासत जम के गरमाई। भाजपा ने चुटकी ली तो कांग्रेस ने सफाई दी। असल में धीरे धीरे दोनों ही नेता हाशिए पे चले जा रहे हैं, जब से जीतू पटवारी ने कमान संभाल लिया। कभी जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह का समर्थन कहा जाता था, लेकिन दिग्विजय के समर्थक माने जाने वाले जीतू पटवारी आजकल दिग्विजय से ही कन्नी काटते नजर आने लगे हैं। और इस बात की गवाही इस पोस्टर ने भी दे दी जो मंच पर पीछे लगा था। यानी कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो सीनियर लीडर जिन्होंने कांग्रेस को कई दशकों तक जिंदा रखा था, वो राहुल गांधी के इशारे पर
हाशिए पर नजर आ रहे हैं। तो ये जीतू पटवारी की गलती नहीं है, ये राहुल गांधी की गलती है, ये भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। असल में सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और सोचना पड़ेगा भी, लेकिन शायद यहां राहुल गांधी से गलती हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस की जान है ये दोनों नेता, इनके जो समर्थक हैं उन्हीं से आधी कांग्रेस चलती है। नई पीढ़ी को खड़ा करना अच्छी बात है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को यानी कि दिग्गज नेताओं को दरकिनार करना भी उतनी अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस की सेहत के लिए जो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हालत में नहीं है अभी तक के जीतू पटवारी की अगुवाई में। चलिए देखेंगे आगे आगे होता है क्या, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।